आप सभी देख रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट्स में पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग हमारी ये नई लेक्चर सीरीज राजस्थान अध्ययन का भाग एक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम उसका लेसन नंबर 1 देख रहे थे। अभी हमने राजस्थान का परिचय और बेसिक इंट्रोडक्शन राजस्थान का, उसका नामकरण कैसे हुआ, जिसमें फिर हमने पढ़ा मध्यकालीन राजस्थान, फिर उससे पहले हमने पढ़ा था प्री मध्यकालीन राजस्थान। ठीक है, अब हम अगला राजवंश हम पढ़ने वाले हैं कछवाहा वंश। ठीक है, कछवाहा वंश से पहले हम गुहिल या फिर सिसोदिया वंश तक ख़त्म कर चुके हैं। आपने अगर अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं या कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, जो कि राजस्थान का आरएस से लेकर पटवारी, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी या कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, तो उन सभी पे आपके लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि राजस्थान के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कोई से भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, कुछ बुक्स बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट सी होती हैं, जिसमें कि राजस्थान का अध्ययन भाग 1, 2, 3, 4 जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 की किताबें होती हैं, इनकी रीडिंग बहुत मस्ट है। क्योंकि डायरेक्ट MCQs हमको इन बुकों से देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, और सिर्फ हम फालतू की बातों को छोड़कर जो महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हमारा शुरू करते हैं। और आप ये इम्पॉर्टेंट मार्क करी हुई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, एक एक कर मैं चैप्टर वाइज ये लेसन अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का कछवाहा वंश। तो राजस्थान के इतिहास में ये लगभग 12वीं शताब्दी से हमको ये देखने को मिलता है, कछवाहा वंश। ठीक है, इन्होंने मीणाओं को और बड़गुर्जरों को हराया था। ठीक है, और सर्वप्रथम दुल्हे राय ने कछवाहा वंश की स्थापना करी थी। कौन से एरिया में? दोसा, रामगढ़, खो, झोटवाड़ा, गेटौर, आमेर। अब मेनली ये एरिया जो है आप देख सकते हो जयपुर के आसपास के एरिया हैं। ठीक है, जैसे कि दोसा हो गया, रामगढ़ हुआ, खो, झोटवाड़ा, गेटौर, आमेर। ठीक है, इन राज्यों में ये आकर बसे। और जो खातौली का युद्ध हुआ था, जिसमें कि राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ा गया था, तो उस खातौली के युद्ध में कछवाहा वंश की तरफ से पृथ्वीराज वहाँ पर लड़ने गए थे बाबर के विरुद्ध। ठीक है, तो और जो पहला राजा हुआ जिसने अकबर की अधीनता स्वीकारी, मतलब विवाह संबंध स्थापित किए थे, वो थे भारमल। ठीक है, अकबर के साथ अधीनता स्वीकार करके अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकूबाई का विवाह किया था भारमल ने। ठीक है, हरकूबाई का विवाह किया भारमल ने अकबर के साथ में, जिसका नाम रखा गया था फिर शादी होने के बाद में मरियम या उज्जमानी के नाम से विख्यात हुई। तो भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुसलमानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो भारमल इम्पोर्टेंट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, दुल्हे राय क्योंकि स्थापना करी थी। उसके बाद में भारमल के बाद में जो इम्पोर्टेंट शासक हुआ वो था मानसिंह। वो दरबार में था अकबर के। वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो ये अकबर का सेनापति था। ठीक है, नवरत्नों में शामिल था। इसको 7,000 की मनसब अकबर के द्वारा प्रदान करी गई थी, और अकबर ने काबुल, बिहार, बंगाल तक का सूबेदार बना दिया था मानसिंह को। यही वही मानसिंह है जिसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर की ओर से। अकबर की सेना का नेतृत्व करा था मानसिंह ने। ठीक है, और मानसिंह ने शीला देवी मंदिर, जो कि आमेर दुर्ग के अंदर है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। और मानसिंह के टाइम पीरियड में ही दादू दयाल हमको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं के समय में दादू दयाल ने अपनी वाणी की रचना करी थी। फिर मानसिंह के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह आता है, जिसका टाइम पीरियड 1621 से लेकर 1666-67 तक था, जो ये 46 वर्षों तक इसने राज किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट
नाम हो जाता है मिर्जा राजा जय सिंह। क्यों? क्योंकि यह ऐसा राजा था जिसने 3 बादशाहों की सेवा करी थी। किस किस की? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे राजे का नाम बताइए जिसने 3 बादशाहों की सेवा दी थी, वो था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन किसकी सेवा दी थी? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करी थी और पुरंदर की संधि शिवाजी के विरुद्ध किसने करी थी? जय सिंह ने। पुरंदर की संधि में कौन शामिल हुआ था? मिर्जा राजा जय सिंह। किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध। शिवाजी के साथ ये संधि करी गई थी। ठीक है, 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया था। ठीक है, और मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में ही हिंदी कवि बिहारीमल था, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी के कवि हुए हैं। फिर अगला जो शासक आता है कछवाहा वंश का, वो था सवाई जय सिंह द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 1700 से 1743 तक था। सवाई जय सिंह द्वितीय ये मालवा का मुगल सूबेदार रहा। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय ने ही जयपुर की स्थापना करी थी। ठीक है, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन, जो कि भीलवाड़ा में हुआ था, जिसमें राजपूतों को एकता स्थापित करने के लिए मतलब ये सम्मेलन करा गया था। किसके विरुद्ध? ये मराठा बहुत हमले कर दिए थे मराठाओं ने, तो उनके विरुद्ध एक एकता का मंच बनाने की कोशिश करी गई थी, जो कि विफल रहा था। ठीक है, और सवाई जय सिंह ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बूंदी के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करा था। और सवाई जय सिंह की बहन थी कौन? अमर कौरी। ठीक है, जिसका विवाह हुआ था बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से, इनका पुत्र नहीं था। तो कोशिश करी थी जय सिंह ने कि वो अपना मनप्रिय भाई बना दे, भाई नहीं मनप्रिय राजा बना दे, मतलब बुद्ध सिंह के बाद जो अगला राजा होगा वो जय सिंह ने नाम बताया, उसको बना दिया गया। लेकिन इनका फिर बाद में जाके पुत्र हो जाता है, पहले पुत्र नहीं था। लेकिन फिर भी बुद्ध सिंह ने कोशिश करी कि वो अपने चाहने वाले को ही राजा बनाए। फिर अमर कवनी ने मराठाओं को मल्हावराव होलकर को राखी भेजी थी और पैसों का लालच दिया था, जिससे उन्होंने यहाँ पर धल की लालसा में बूंदी पर आक्रमण किया और बुद्ध सिंह के लड़के को ही राजा बनाया। ठीक है, और सवाई जय सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति क्यों हो गया? क्योंकि इसने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जज मोहम्मद शाही नाम रखा। ठीक है, जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना करी गई। ठीक है, और जयपुर की तो स्थापना करी ही थी, तो यह वास्तुकला विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर की जो स्थापना करी थी इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। तो जयपुर, ये क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को हमें कई बार एग्जाम में मिला है कि जयपुर की स्थापना करी गई थी, उसका वास्तुकार कौन था? उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। किसके द्वारा जयपुर की स्थापना करी गई थी? जय सिंह के द्वारा। ठीक है, जय सिंह द्वितीय के द्वारा। और इन्होंने और क्या काम किया था? नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया, जयगढ़ किले में जयबाण तोप बनवाई। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस 5 जगह थी जहां पर वेधशालाओं यानी कि जंतर मंतर का निर्माण कराया था। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ठीक है, इन्होंने सूर्यघड़ी का भी निर्माण कराया, जिसको सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है, जो कि जयपुर के जंतर मंतर में हमको देखने को मिलती है।
और इन्होंने धर्म रक्षक होने के नाते वाजपेयी राजसूय यज्ञ करवाया। ठीक है, ये अंतिम हिंदू नरेश थे जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक है गाइस, फिर यही कछवाहा वंश में इम्पोर्टेंट शासक हुए, और भी शासक हुए हैं लेकिन उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपना राठौड़ वंश और चौहान वंश देखेंगे। अगले लेक्चर में हम राठौड़ वंश और चौहान वंश को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा आप। ये लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आप आरपीएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारी राजस्थान अध्ययन का भाग 1, 2, 3, 4 बहुत सी बेसिक बुक्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका रिविज़न टाइप से मैं करवा रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी फास्ट रिविज़न में उनका करवा रहा हूँ। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कुछ रिव्यूज़ होते हैं तो वो ज़रूर हमें अपने कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।